इसको पकड़ के इस तरह से डुला लेंगे। देखिए 36 इंच साइज में ये नेट है, इस तरह से वेट कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दाएं बाएं देंगे। अब ये रिबन को इस तरह से फंसा लेंगे पहले, कि इस तरह से चेन को फंसा लिए हैं। अब इसको लपेटेंगे और इसको पीछे हम जड़ छटिंग कर लेते हैं। देखिए ये ऑल मेक सिक्की है, ये 0 से लेके 52 इंच तक का है। अब हम इसको साइज करेंगे 36 इंच में। आप लोग अपने मार्केट के अनुकूल साइज कर सकते हैं, आपके मार्केट में जितना इंच चलता होगा। ये देखिए 32 इंच का है और ये 36 इंच का है, तो हम यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से डुला लेंगे। 36 का नीचे का जितना भी सिक्की होगा वो सारा निकल जाएगा। देखिए इस तरह से 36 का नीचे का जितना भी सिक्की था वो सारा निकल गया है। इसी तरह से आप लोग थारू को सबसे पहले साइजिंग कर लीजिएगा। ये तमिलनाडु का माल है ऑल मिक्स। अब देखिए इसको हम सारा को इकट्ठा कर लेते हैं इस तरह से इकट्ठा कर लिए हैं। देखिए इसको नापते हैं 36 इंच है या नहीं है। देखिए 36 इंच साइज में ये नेट है, देखिए 36 इंच साइज नेट है इसका। अब इसको हम एक क्वालिटी बनाकर आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ इस तरह से नारियल झाड़ू बनाया जाता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नारियल झाड़ू 36 इंच साइज में किस तरह से बनाया जाता है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए इसको हम 36 इंच साइज करके निकाल लिए हैं। अब इसको हम 400 ग्राम में आप लोगों को केन तार में बनाकर दिखाने जा रहा हूँ। देखिए 400 ग्राम रख दिए हैं बटकारा। अब इसको वेट करेंगे, इस तरह से वेट कर लेंगे। देखिए 400 ग्राम नेट वेट में वजन कर लिए हैं। अब देखिए ये तार है 20 नंबर तार का उपयोग करते हैं। आप लोग भी 20 नंबर तार का उपयोग कर सकते हैं। इसको नैनो झाड़ू भी बोला जाता है। देखिए इस तरह से सबसे पहले तार को बिछा लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दाएं बाएं देंगे। और आप लोग के मार्केट में जिस साइज का क्वालिटी चलता हो उस साइज का आप लोग बना सकते हैं। किसी मार्केट में 30 इंच चलता है तो किसी मार्केट में 32 इंच और किसी मार्केट में 36 इंच, किसी मार्केट में 40 इंच तो किसी मार्केट में ऑल मिक्स है। आप अपने मार्केट के अनुसार अपना क्वालिटी बना सकते हैं और अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सभी को अच्छे से गूंथ लिए हैं। अब इतना दूर पर तार को इस तरह से मोड़ लेंगे। अब तार को यहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से तार को कटिंग कर लिए हैं अच्छे से। अब देखिए इस तरह से दोनों हाथ को पकड़ लेंगे और इस तरह से अच्छे से इस तरह से सरिया लेंगे, धीरे धीरे करके सरिया लेंगे। अब देखिए इस तरह से इसको मोड़ लेंगे आसानी से, धीरे धीरे इसको गोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से गोल कर लिए हैं। देखिए ये तार ले लिए हैं, तार को 3 राउंड लपेट लेंगे। इस तरह से तार को लपेट लिए हैं और प्लास से पकड़ के टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से तार को कटिंग कर लिए हैं, इसको अच्छे से मोड़ देंगे। अब देखिए ये रिबन ले लिए हैं, ये रिबन को ले लिए हैं। अब ये रिबन को इस तरह से फंसा लेंगे पहले,
इस तरह से रिबन को फंसा लिए हैं। अब उसके बाद पीछे एक और तार मार लेंगे। इस तरह से तार को लपेट रहे हैं। इसी तरह से आप लोग देख देख के सीख सकते हैं और बना सकते हैं। आप लोग अपने मार्केट के अनुसार बना सकते हैं, जितना वेट में बनाना होगा बना सकते हैं। 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, आज हम आप लोगों को 400 ग्राम में बनाकर दिखा रहे हैं केन और तार में। कि इस तरह से केन को फंसा लिए हैं, अब इसको लपेटेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से लपेट लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से केन को लपेट लिए हैं, तो इस तरह से टाइट कर लेंगे क्योंकि रिबन ढीला ना हो, खुलने का डर ना रहे। तो इस तरह से रिबन को फंसा लेंगे। तो इस तरह से फंसा लिए हैं और इस तरह से रिबन को कटिंग कर लिए हैं और रिबन को अच्छे से फंसा के रेडी कर लिए हैं। पीछे और मजबूती के लिए एक तार मार देते हैं क्योंकि रिबन को खुलने ना दें। देखिए ये तार ले लिए हैं, उसको पीछे में मार देते हैं मजबूती के लिए। देखिए इस तरह से तार को लपेट लिए हैं। तो इस तरह से अच्छे से मोड़ लेंगे। देखिए ये झाड़ू 36 इंच साइज में बन के रेडी हो गया है। इसको पीछे हम झाड़ू छटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से जर छटिंग करके कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से आप लोगों झाड़ू को साइजिंग करके बना सकते हैं आप अपने मार्केट के अनुकूल। आपके मार्केट में जो भी साइज का झाड़ू चलता हो उस साइज में आप लोग बना सकते हैं।